हेलो स्टूडेंट्स, तो बच्चों स्वागत है आप सभी लोगों का। ये हम लोगों का सेकंड बुक का लेक्चर नंबर वन है स्टूडेंट, सेकंड बुक लेक्चर नंबर वन। यहाँ हम लोग बात करेंगे ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स सेकंड बुक की। आप ये समझिए कि जो 70 मार्क्स का हमारा थ्योरी का एग्ज़ाम होता है ना बच्चों, उस 70 मार्क्स में मेजॉरिटी वाला जो पोर्शन है वो हमारा ट्वेल्थ की सेकेंड बुक से आता है बच्चों। भले ही ट्वेल्थ की सेकंड बुक में हमें टाइम कम लगता है पढ़ाने में, लेकिन ट्वेल्थ की सेकंड बुक से आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा आता है, फर्स्ट बुक से कम आता है। और समझने में भी ये सेकंड बुक फर्स्ट बुक के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा इजी है। बहुत कोई बड़ा काम नहीं है इसके अंदर, बहुत छोटा मोटा काम है जो आप लोग बहुत आसानी से और बहुत प्यार के साथ में समझ जाएंगे। ये जो सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, इस सीरीज़ में डेली आपका 20 मिनट का लेक्चर होगा बच्चों, मैक्सिमम 20 to 25 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, आपको चिंता ना करें आप लोग। और इस 20 से 25 मिनट की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि अपने ट्वेल्थ की सेकंड बुक को 2 से 2.5 महीने में हम लोग कम्प्लीट कर दें बच्चों, ठीक है। तो बिना समय ख़राब करते हुए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ट्वेल्थ की सेकंड बुक में आपकी यूनिट आती कौन कौन सी हैं बच्चों, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं ट्वेल्थ सेकंड बुक की, यानी हम लोग बात करेंगे फिजिक्स सेकंड बुक, ठीक है। ये हमारी फिजिक्स सेकंड बुक है क्लास ट्वेल्थ। यहाँ पर स्टूडेंट जनरली हमारे पास में जो यूनिट आती है, पहली यूनिट का नाम है हमारे पास में बच्चों ऑप्टिक्स। फर्स्ट यूनिट का नाम है स्टूडेंट हमारे पास में ऑप्टिक्स। और यहाँ ऑप्टिक्स को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। ऑप्टिक्स हमारी दो टाइप की है, एक कहलाएगी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और सेकेंड हमारी कहलाएगी वेव ऑप्टिक्स। अभी तक 10th क्लास में जो आप लोगों ने पढ़ी थी ना बच्चों, वो हमारी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स थी। आप लोगों के लिए वेव ऑप्टिक्स बिल्कुल नया टॉपिक है। ये हमारा सबसे ज़्यादा मार्क्स का है स्टूडेंट, यानी ये समझिए कि ये जो ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है, ये पूरे 12th के अंदर सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यूनिट है। लगभग 14 से 15 नंबर यहाँ से हम लोगों से पूछा जाता है बच्चों। 14 to 15 मार्क्स का जो पेपर हम लोगों से पूछा जाता है स्टूडेंट, वो यहाँ से पूछा जाता है। चैप्टर का नाम है ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, इसके दो पोर्शन हैं। दूसरी यूनिट का नाम है बच्चों हमारे पास में ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। समझ आ रही बच्चों बात? ये हमारी सेकंड बुक की सेकंड यूनिट का नाम है, सेकंड यूनिट कहें या चैप्टर कहें, ये है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। नंबर 3 पर हमारे पास में आता है बच्चों एटम एंड न्यूक्लियाई। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है स्टूडेंट। चौथे नंबर पर हमारे पास में आता है बच्चों सेमीकंडक्टर। चौथे नंबर पर हमारे पास में आता है सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है। और लास्ट 5वें नंबर पर हमारे सामने आता है बच्चों कम्युनिकेशन। 5वें नंबर पर हमारे पास में आता है कम्युनिकेशन। ये 5 यूनिट हमारे सामने आती है स्टूडेंट, ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, एटम एंड न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और है यह कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन अब हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है बच्चों, इस साल नहीं, अपडेटेड सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लास्ट ईयर ही ये हमारे सिलेबस से हटा दिया गया था। कम्युनिकेशन को लास्ट ईयर ही हमारे सिलेबस से हटा दिया गया था। इस साल जो चीज़ें सिलेबस से हटाई हैं वो तो हम लोग ज़रूर पढ़ेंगे, ये तो हमारा लास्ट ईयर हटा दिया गया था, इसीलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे। कम्युनिकेशन हटाने के बाद में हमारे पास में 4 यूनिट बचती हैं। चारों की चारों बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, बच्चों आप यकीन नहीं मानेंगे इतना ज़्यादा इजी हैं। और इजी होने के साथ साथ, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, इजी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। अगर आप ध्यान से पढ़कर चलेंगे तो ये समझिए कि इन 4 यूनिट से कम 38 से 40 मार्क्स आप गेन करेंगे आउट ऑफ 70, सिर्फ इन 4 यूनिट को पढ़कर।
38 से 40 नंबर आप लोग गेन कर जाएंगे बच्चों, सिर्फ इन चार यूनिट को पढ़कर। अच्छा, अब इनमें हम कौन से यूनिट कब किस किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले नंबर पे जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा हमारा एटम और न्यूक्लियाई। सबसे पहले नंबर पर हम बात करेंगे एटम एंड न्यूक्लियाई की, सबसे पहला नंबर हमारा ये होगा, ठीक है, एटम एंड न्यूक्लियाई। कम से कम 20 डेज, कम से कम 20 दिन हमें इसके अंदर लगेंगे एटम एंड न्यूक्लियाई के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, कम से कम 20 डेज हमें यहाँ लगेंगे बच्चों, कम से कम 20 डेज हम लोगों को यहाँ लगेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट की तीसरे नंबर पे, यहाँ तो बहुत ज़्यादा नहीं, 4 से 5 दिन का समय हम लोगों को लगेगा, 4-5 दिन में ये चैप्टर हमारा फिनिश, क्योंकि छोटा चैप्टर है, बहुत कुछ नहीं है इसके अंदर, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। और चौथे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स बच्चों, पहले पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और फिर हम लोग पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। इस तरीके से हम लोग अपनी सेकंड बुक को पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, ठीक है, ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, एटम एंड न्यूक्लियाई, और ये है चौथा हमारे पास में सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं बच्चों एटम एंड न्यूक्लियाई, ठीक है। आज जो मैं आपकी क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, आज जो मैं आपकी सेकंड बुक स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो है हमारे पास में एटम एंड न्यूक्लियाई। आप लोगों को कोई खास काम नहीं करना है, देखो 40-45 मिनट की क्लास हमारी पहली बुक की है, 20-25 मिनट की क्लास हमारी सेकंड बुक की है। आपको कोई ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना कि भाई आप अलग से कोई इसके लिए मेहनत कर रहे हो। हाँ, अलग से नोटबुक अपनी ज़रूर बना लीजिएगा, नोट्स आपके सामने लिखे हुए आएंगे, बिल्कुल वैसा ही पैटर्न जैसा हम फर्स्ट बुक में फॉलो कर रहे हैं ना, वैसा ही हमें सेकंड बुक के अंदर फॉलो करना है। नोट्स हमें स्क्रीन पर से लिखने हैं, कुछ नोट्स मैं आपको लिखवाऊंगा, कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो आप लोगों को अपनी लैंग्वेज में बनाकर वहीं के वहीं लिख लेने हैं बच्चों, जिससे कि आप लोगों को लंबे टाइम तक वो सारे पॉइंट याद रहे, अपनी लैंग्वेज में बनाकर वहीं के वहीं लिख लेने हैं। दूसरी बात, ये जो हमारा सेकंड बुक है ना बच्चों, यहाँ मेजॉरिटी का जो काम है वो थियोरिटिकल है, यहाँ थियोरिटिकल काम ज़्यादा है बच्चों, थियोरिटिकल काम बहुत ज़्यादा है यहाँ स्टूडेंट। तो आप लोग एक काम करेंगे, क्योंकि यहाँ थियोरिटिकल काम ज़्यादा है, इसीलिए रोज़ के रोज़ नोट्स आप लोग लिखेंगे और मेरे पास में सेंड करेंगे, बस यही आप लोगों का होमवर्क है। आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है, एक नया क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से ट्राई नहीं करना है। जितनी थ्योरी मैं पढ़ाऊँगा, जितने पॉइंट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, जितने क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, बस कृपया करके उन्हें कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगा, इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको कोई परेशानी आएगी नहीं। 0 से लेकर IIT लेवल तक हर तरीके के सवाल को हम लोग स्टडी कर लेंगे, इंक्लूडिंग NCERT। आपका काम सिर्फ इतना है कि 20 मिनट के लेक्चर को ध्यान से देखिए, अपनी नोटबुक के अंदर अपने नोट्स को प्रिपेयर करिए और 20 मिनट ही उसे रिविज़न के लिए डेली निकाल लीजिए बच्चों। 20 मिनट डेली रिवीजन के लिए, 20 मिनट लेक्चर के लिए और 20 मिनट रिवीजन के लिए आप लोगों को निकालने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो बिना समय खराब करते हुए अभी हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों, और टॉपिक का नाम है हमारे पास में स्टूडेंट एटम। पहले हम लोग पढ़ेंगे एटम के बारे में, ये हमारे चैप्टर का नाम है स्टूडेंट एटम। सबसे पहले मैं आपके सामने चैप्टर फ्लो बना देता हूँ, चैप्टर फ्लो क्या होने वाला है, यानी इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, चैप्टर फ्लो हमारा क्या रहने वाला है, ये हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, चैप्टर फ्लो क्या रहेगा, देखो भाई, एटम के अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ये पहला टॉपिक है हमारा यहाँ पर, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बाद हम लोग पढ़ेंगे गीगर, गीगर और मार्सडेन एक्सपेरिमेंट, गीगर और मार्सडेन एक्सपेरिमेंट, ये दूसरा टॉपिक है, इसे हम एक और नाम से जानते हैं और वो होता है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, या इसे हम लोग एक और लॉ के नाम से जानते हैं और वो होता है रदरफोर्ड लॉ, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। समझ आ रही बच्चों बात, हमारा पहला टॉपिक है थॉमसन एटॉमिक मॉडल, नंबर 2 पर हम पढ़ेंगे गीगर और मार्सडेन एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। नंबर 3 पर हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट नील्स बोर एटॉमिक मॉडल,
नील्स बोर एटॉमिक मॉडल, नील्स बोर एटॉमिक मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन, एंड इट्स लिमिटेशंस। ठीक है, बस पूरे चैप्टर में ये तीन ही टॉपिक हैं बच्चों, पूरे चैप्टर में स्टूडेंट हमारे पास में ये तीन ही टॉपिक हैं, इनके अलावा कोई टॉपिक हमारे पास में है ही नहीं। पहला टॉपिक है थॉमसन एटॉमिक मॉडल, दूसरा है गीगर मार्सलेन एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और तीसरे नंबर पर है हमारे पास में नील्स बोर एटॉमिक मॉडल। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये जो नील्स बोर एटॉमिक मॉडल है ना बच्चों हमारा, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। नील्स बोर एटॉमिक मॉडल कोई छोटा टॉपिक नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी डेरिवेशन भी हमारे सामने आएंगी, बहुत सारी डेरिवेशन हमारे सामने आएंगी। डेरिवेशन के साथ साथ बहुत सारे हमारे पास सामने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे सामने आएंगे। ठीक है, मैं छोटा मोटा आइडिया आप लोगों को दे देता हूँ कि नील्स बोर एटॉमिक मॉडल के अंदर और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, नील्स बोर एटॉमिक मॉडल के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी की डेरिवेशन। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम, हम लोग ये पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम। लो भैया, ये पूरा एटम का चैप्टर है हमारा, और लगभग ये चैप्टर हमारा 5 से 6 मार्क्स का है, 5 से 6 नंबर का चैप्टर है। थ्योरी साथ साथ आप लोग लिखकर चलेंगे, हर एक टॉपिक को मैं बहुत बढ़िया करके बहुत डिटेल्ड में आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, आप मेरी बात को अच्छे तरीके से याद रखोगे, अपनी लैंग्वेज में बनाकर अपनी कॉपी में नोट करोगे, और जो थ्योरी स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई होगी वो भी अपनी कॉपी में नोट करोगे, जिससे कि आप लोगों के नोट्स प्रिपेयर हो सके। बच्चों, ये पूरे चैप्टर का हमारा चैप्टर फ्लो है, आप इसे नोट करिए, फिर हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ओके, चलिए बच्चों, तो हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि चैप्टर क्या है। देखो बच्चों, चैप्टर के दो नाम आते हैं, चैप्टर को हम लोग एटम भी बोलते हैं और चैप्टर को हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये चैप्टर का नाम है स्टूडेंट, हम लोग इसे एटम भी बोलते हैं और हम लोग इसे एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अब देखिए, हमारे पास में जो पहला टॉपिक आता है बच्चों, उसे हम लोग बोलते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ये हमारे पास में फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, और ये हमारा कहलाता है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं खुद आप लोगों को लिखवाऊंगा, लेकिन पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखो बच्चों, ऐसा है, जब हम 9th क्लास के अंदर पढ़ते थे तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि यार एटम जो होता है ना, एटम वो बहुत छोटा पार्टिकल होता है। जब हम लोग 9th क्लास में थे तो तब हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एटम बहुत छोटा पार्टिकल होता है, और एटम इतना छोटा है कि एटम को हम आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, एक इस तरीके की थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी थी। लेकिन 1917 में, ठीक है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल दिया गया। थॉमसन एटॉमिक मॉडल ये कहता है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, कि ये बात तो पूरी तरीके से करेक्ट है कि एटम बहुत छोटा पार्टिकल है, एटम बहुत छोटा है, ये बात तो पूरी तरीके से करेक्ट है, लेकिन एटम इतना भी छोटा नहीं है कि इसे आगे हम लोग डिवाइड ना कर सकें। थॉमसन ने एक बढ़िया सा एग्जाम्पल दिया, थॉमसन ने ये कहा कि भाई मेरे मुताबिक, अकॉर्डिंग टू थॉमसन के मुताबिक एटम बिल्कुल ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वाटरमेलन, जैसे वाटरमेलन आपके सामने होता है ना स्टूडेंट, जैसे वाटरमेलन बिहेव करता है, एटम भी बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव करता है। यानी कैसे, जैसे वाटरमेलन के अंदर रेड वाला पार्ट होता है और उस रेड वाले पार्ट के अंदर सीड्स रहते हैं। बच्चों बताओ, रहते हैं या नहीं रहते हैं? तो थॉमसन ने कहा कि वाटरमेलन के अंदर जैसे रेड वाला पार्ट रहता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज रहता है, और जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड्स रहते हैं बच्चों, सीड्स, बिल्कुल वैसे ही एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड रहते हैं। यानी थॉमसन के मुताबिक, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, थॉमसन के मुताबिक ये जो सर्कल आपके सामने दिख रहा है, ये बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि वाटरमेलन,
जैसे कि वाटरमेलन स्टूडेंट, ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन, ये रेड वाला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, ये पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, और ये जो सीड्स की तरह इसके अंदर धंसे हुए हैं ये बिहेव करते हैं इलेक्ट्रॉन की तरह। तो थॉमसन के एटॉमिक मॉडल की खास बात क्या है हमारे अकॉर्डिंग? तीन मेन पॉइंट है थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के। इतना क्लियरिटी आपको टॉपिक की होनी चाहिए, इतनी क्लियरिटी आपके टॉपिक को होनी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो कितना भी छोटा थियोरेटिकल और कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कोई भी क्वेश्चन आपके रास्ते में बाधा उत्पन्न ना कर सके, कोई भी आपके रास्ते में ना ऑब्स्टेकल ना पैदा करे। आपके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर होने चाहिए कि हर क्वेश्चन का बड़ी आसानी से आप जवाब दे दें बच्चों, ठीक है? अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, थॉमसन एटॉमिक मॉडल 1917 में दिया गया था, 1917 में, ठीक है? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, थॉमसन के मुताबिक एटम बहुत छोटा पार्टिकल होता है, एटम बहुत छोटा पार्टिकल होता है, ये पहली बात। 1917 में थॉमसन का एटॉमिक मॉडल दिया गया, थॉमसन के मुताबिक एटम बहुत छोटा पार्टिकल होता है, एटम बिल्कुल ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वाटरमेलन, जैसे वाटरमेलन के अंदर रेड वाला पोर्शन और फिर उसके अंदर सीड्स होते हैं ना बच्चों, बिल्कुल एटम इसी तरीके से बिहेव करता है। बस वाटरमेलन में और एटम में सिमिलैरिटी यह है कि जैसे वाटरमेलन में रेड वाला पोर्शन अंदर रहता है, बिल्कुल वैसे ही एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज रहता है थॉमसन के मुताबिक। और जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड्स रहते हैं ना बच्चों, ऐसे ही एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं थॉमसन के मुताबिक, इसीलिए हम लोग इसे प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं बच्चों, इसीलिए हम लोगों ने इसे नाम दिया प्लम पुडिंग मॉडल, इसीलिए हम इसे प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानेंगे बच्चों, समझ में आ रही बात? इसीलिए हम इसे प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानेंगे। तो अभी इसके बाद में, पहले इसके आगे मत देखें आप, सिर्फ ऊपर ऊपर की बात को आप देखें, अपने कॉपी के अंदर चैप्टर का नाम आप लोग लिखें एटम, एटम के अंदर फर्स्ट हेडिंग आप लोग डालें थॉमसन एटॉमिक मॉडल और लिखें थॉमसन एटॉमिक मॉडल वॉज, थॉमसन गेव द फर्स्ट आइडिया रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यही लिख लीजिएगा, एट इज बढ़िया लिख रखा है, थॉमसन गेव द फर्स्ट आइडिया रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एन एटम इज अ सॉलिड स्फीयर इन विच एंटायर एंड द पॉजिटिव चार्ज, एंटायर एंड पॉजिटिव चार्ज एंड इट्स मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इन विच नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड लाइक सीड्स इन वाटरमेलन, सो इट इज ऑल्सो नोन एज, इसीलिए हम लोग इसे जानते हैं प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से बच्चों, ठीक है? अभी मैंने कोई बहुत डिटेल्ड में आपको नहीं बताया, आज तो मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बताया है कि सेकंड क्लास के, सेकंड बुक के अंदर हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या हैं। पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं एटम, और एटम के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। आपका काम सिर्फ इतना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अपनी कॉपी में बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा 1917 के अंदर ये मॉडल सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था बच्चों। अगली क्लास हम कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट, ठीक है? तो आप चिंता मत करें, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हम लोग नहीं डालेंगे, इतना बर्डन डालेंगे कि आप लोग सहन कर सकें, ठीक है? रिवीजन बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा इस तरीके से आप लोगों का, नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों।